अस्सलामुअलैकुम। इस समर में रिसेंटली क्या है, 8-10 दिनों से क्या है, लोग लूज मोशन, फीवर, पेट में दर्द, वोमिटिंग, इससे बहुत जूझ रहे हैं। और मेरे पास भी क्या है, डेली 10 से 15 पेशेंट्स क्या है वही शिकायत से आ रहे हैं। और इससे कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से खाना खाने से हो रहा है, या पर्टिकुलर कोई शादी में जाने से या फंक्शन में जाने से, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, अक्सर क्या होता है, विंटर सीजन से समर में एंट्री होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाने से बैक्टीरिया और वायरस के लिए टेम्परेचर सूटेबल रहता है। तो इससे क्या होता है, खाना आपका बासी है, या खाना रात का रखा हुआ है, या पानी में कुछ मतलब अच्छे सफाई से नहीं मेंटेन करे आप, हाथ कुछ अच्छा नहीं धोने से बैक्टीरिया को अच्छा एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया क्या होता है वो एनवायरनमेंट में मल्टीप्लाई होके वो लोग क्या वो आपके पेट को अटैक करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको बुखार आना, पेट में वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस, ऐसे शिकायतें चालू हो जाते हैं। तो इसलिए खास करके आप लोग क्या इस दौरान क्या एहतियात बरतना बोले तो, जितना हो सके ताज़ा खाना खाना, बासी खाना नहीं खाना, और पानी क्या है जितना हो सके आरओ से पीना, या तो फिल्टर से पिए, बिसलेरी का पीना, या अच्छे से हाथ धो के खाना खाना चाहिए। और मेरा एक एडवाइस है कि इस दिनों में लिमिटेड खाना, कुछ मुंह को मजा लगा बल्कि मसालेदार खाने का अवॉइड कीजिए। अगर कुछ खाते भी हैं तो पानी, उसके ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना। इतना आप अगर एहतियात बरतेंगे तो ये समर इंशाल्लाह आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी।